हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका विस्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हैजहॉग सिग्नलिंग के बारे में। कंप्लीट देखेंगे कि किस प्रकार से आपका हैजहॉग सिग्नलिंग होता है एंड हैजहॉग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट सिग्नलिंग है, इस बात को भी याद रख लेना। इससे पहले हम ऑलरेडी 25 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें आपकी अराउंड सभी सिग्नलिंग बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो मुस्कुराइए थोड़ा सा क्योंकि ये आपका लास्ट सिग्नलिंग है, ठीक है ना। इसके बाद सिग्नलिंग आपकी खत्म, टाटा बाय बाय। तो चलिए आइए इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक एक चीज देखेंगे इसके कि होता क्या है। तो देखो भाई साहब, एक आपका जैसे जिस प्रकार से चूहा होता है ना, इसी प्रकार से आपका एक मैमल होता है जिसका नाम होता है हैजोग। इस ये जो प्राणी आपको चमक रहा है, जो जंतु आपको चमक रहा है, इसका नाम होता हैजोग। तो इसमें क्या कैसा होता है कि जो इसकी स्किन रहती है, जो इसका डोर्सल वाला पार्ट होता है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, इसमें कुछ स्पाइक निकले हुए होते हैं, इसमें कुछ स्पाइक्स निकले हुए होते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें देख रहे हो आप, ये कुछ आपको मैमल्स दिख रहा होगा, इसमें थोड़े थोड़े ये स्पाइक निकले हुए हैं। इस स्पाइक होने के कारण इस पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैजहॉग। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। ये एच पकड़ेंगे, ये एच पकड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका एच एच, इसका मतलब हैजहॉग है। आगे आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि किस कैसे इसकी डिस्कवरी हुई एंड किस प्रकार से इसको जो है नाम पड़ा इसका। द ओरिजिनल हैजहॉग जीन वाज फाउंड इन ड्रोसोफिला। जो आपका हैजहॉग जीन होता है, याद रख लेना, एक हैजहॉग जीन होता है जो कि आपका ड्रोसोफिला में पाया गया। इन विच जीन आर नेम्ड आफ्टर देयर म्यूटेशन फिनोटिपिक। यानी कि इसमें क्या हुआ कि भाई साहब, एक आपका ड्रोसोफिला था, मान लो ये कोई आपका ड्रोसोफिला था। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस ड्रोसोफिला में एक जीन पाया गया, ठीक है ना। इसके न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए था, डीएनए पे एक जीन था। इस जीन के कारण क्या हुआ कि ये जो आपका ड्रोसोफिला था, इस ड्रोसोफिला पे इस प्रकार के आपके स्पाइक बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार के स्पाइक बनने स्टार्ट हो गए। एंड ये स्पाइक हमको कहाँ पर देखने को मिल रहे थे, अभी जो पीछे मैंने ऑर्गेनिज्म दिखाया था आपको, उसमें देखने को मिल रहे थे। तो इस जीन का नाम इसलिए क्या पड़ा, इस जीन का नाम इसलिए हैजहॉग पड़ा क्योंकि भाई साहब, यहाँ पर जब जीन का म्यूटेशन हो रहा था, जब जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा था, तो आपको क्या मिल रहा था, एक स्पाइक देखने को मिल रहा था, कांटेदार संरचना देखने को मिल रही थी जो कि हमने हैजहॉग जीव में देखी थी। तो सेम वहीं से लिया गया है कि भाई साहब, इस जीन का नाम रख दिया हैजहॉग। एंड ये आपको कब मिला था, जब आपका जीन म्यूटेंट हो गया था, जब आपका जीन म्यूटेंट हो गया था, यहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है एक्चुअल में जीन का। द लॉस ऑफ फंक्शन हैजहॉग म्यूटेशन कॉल्ड द फ्लाई लार्वा टू बी कवर्ड विद पॉइंटी डेंटिकल्स ऑन इट्स क्यूटिकल। यानी कि आपका, जैसे कि यहाँ पर देखो बनना क्या चाहिए था, आपका फ्लाई, जो आपका फ्लाई लार्वा होता है, यहाँ पर आपके अलग अलग स्ट्रक्चर बनने चाहिए थे, जैसे कि कुछ फीदर बनने चाहिए थे, कुछ आपके डेंटिकल्स बनने चाहिए थे, लेकिन वहां ये सब चीज ना बन करके आपका क्या बना, कुछ पॉइंटी डेंटिकल्स बन गए। वहां पर क्या बना, आपके पॉइंटी डेंटिकल्स बन गए एंड भी वैसे दिख रहे थे सेम, जैसे कि मैंने आपको पीछे एक जीव दिखाया जिसका नाम है हैजहॉग। तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया भाई साहब कि यहाँ पर जो वो जीन म्यूटेंट हुआ है, उसी का जीन, उस जीन का नाम रख दिया हैजहॉग। एंड वहां से जो प्रोटीन बनेगी, उसको कहा हैजहॉग प्रोटीन, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हैजहॉग प्रोटीन। अब समझ में आया कि भाई साहब ये किस प्रकार से बना। देखो पीछे हमने डब्ल्यू एंटी पाथ में पढ़ा, वो भी आपका डेवलपमेंटल वाला पार्ट था। ये जो है, ये भी आपका जो हैजहॉग सिग्नलिंग है, ये भी आपके डेवलपमेंटल में ही यूज होती है। और मैंने आपको बताया कि मोस्टली डेवलपमेंटल में जो नाम रखे गए हैं वे म्यूटेशन केस पे ही रखे गए हैं। अराउंड 90% नाम आपके म्यूटेशन केस पे ही रखे गए हैं, इतनी बात को याद रख लेना। अब देखो ये जीन करता क्या क्या है, एंड इस जीन का अगर यहाँ पर ये प्रोटीन बने, जो आपकी हैजहॉग है, अगर ये हैजहॉग नाम की प्रोटीन बने तो ये आपके कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करवाती है। तो जो आपने देखा था पीछे डब्ल्यू एन टी में, ये भी उसके जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करवाती है। यानी कि पोलरिटी ये प्रोवाइड करवाएगी। जब डेवलपमेंट आपका जो है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट होता है, तब वहां पर ये पोलरिटी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके सेल का प्रोलिफिकेशन होता है, सेल का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो यहाँ पर भी आपके सेम काम होते हैं। यानी कि एम्ब्रियो थ्रू सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे टू इंक्लूड पर्टिकुलर टू सेल टाइप एट थ्रू द मींस इन्फ्लुएंस सेल गाइडेंस। यानी कुल मिलाकर के इसका मतलब आप ये समझ लेना कि भाई साहब, सेल की ग्रोथ, याद रख लेना, सेल की ग्रोथ, सेल के प्रोलिफिकेशन में
ये हेल्प करने वाला है। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता चला, तो वो चीज देखने की कोशिश करो कि भाई साहब एक जीन है, जीन का नाम ही रख दिया, पूरे के पूरे जीन का नाम रख दिया हैजहॉग, पूरे के पूरे जीन का नाम रख दिया हैजहॉग। यहाँ से कुछ प्रोटीन बनती है, अब यहाँ से जो प्रोटीन बनेगी इन प्रोटीन का यूज कहाँ पर होता है, सेल के प्रोलिफिकेशन में, सेल के डिवीजन में, ठीक है ना। एंड याद रख लेना यहाँ पर जो सिग्नल मोलिक्यूल होता है उस सिग्नल मोलिक्यूल का नाम भी होता हैजहॉग, उस सिग्नल मोलिक्यूल यानी कि लिगेंड का नाम भी क्या होता हैजहॉग ही होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपका हैजहॉग होता है, वर्टिब्रेट के अंदर कुछ आपके सिमिलर जीन पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस हैजहॉग के सिमिलर ही कुछ जीन पाए जाते हैं जिनका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि वर्टिब्रेट हैव एटलीस्ट थ्री होमोलोगस ऑफ ड्रोसोफिला हैजहॉग जीन, यानी कि तीन मिलते जुलते जीन पाए जाते हैं। पहले को बोलते हैं डिजर्ट हैजहॉग, क्या बोलेंगे, डिजर्ट हैजहॉग। दूसरे को बोलेंगे इंडियन हैजहॉग, तीसरे को बोलेंगे सोनिक हैजहॉग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये चीज आपसे पूछी जा चुकी है। देखो भाई सब, जो डिजर्ट हैजहॉग होता है इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या, इसका फंक्शन क्या होता है स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाता है। तो द डिजर्ट हैजहॉग प्रोटीन इज फाउंड इन द सर्टोली सेल, जो आपका टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल पाई जाती है, तो ये वहां पर आपका पाया जाता है। एंड माइस माइस होमोजाइगस फॉर नल एलील ऑफ DHH, या फिर इसको बोलते हैं आपका डिजर्ट हैजहॉग एग्जिबिट डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि अगर ये देखो टेस्टिस माइस के अंदर जो आपका टेस्टिस होता है, टेस्टिक्स में जो आपकी सर्टोली सेल होती है, टेस्ट माइस होता है, माइस के अंदर टेस्टिस होता है, टेस्टिस में जो सर्टोली सेल होती है उनके अंदर क्या होता है, अगर ये DHH जीन म्यूटेंट हो गया, अगर DHH जीन म्यूटेंट हो गया तब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, यानी कि स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज पूछी जा चुका है, तो आपको सर्टोली सेल इसका एग्जाम्पल ये याद रख लेना। इसके बाद इंडियन हैजहॉग, देखो इंडियन हैजहॉग क्या होता है कि इंडियन हैजहॉग इज एक्सप्रेस इन द गट एंड द कार्टिलेज एंड इज इम्पोर्टेंट इन पोस्टनल बोन, जो आपका टखना होता है ना, घुटना होता है, घुटने की जो बोन होती है, एक्चुअल में क्या होता है आप इस प्रकार समझो कि आपकी कुछ एक्स्ट्रा बोन पाई जाती है। ये एक्स्ट्रा बोन क्या करती है कि जब कभी भी आपके शरीर के अंदर बोन में कोई भी डेफिशिएंसी होती है, बोन में किसी चीज की कमी होती है, तो ये बोन उसको प्रोवाइड कराती है। ऐसी बोन को हम क्या बोलते हैं, पोस्टनल बोन बोल देते हैं। तो ये क्या काम करता है, अगर इंडियन हैजहॉग में, याद रख लेना, इंडियन हैजहॉग में अगर आपका म्यूटेशन हुआ एंड ये इंडियन हैजहॉग जो जीन पाया जाता है ये कहां पर पाया जा रहा है, गट, आपकी जो गट सेल होती है, जो कार्टिलेज सेल, कार्टिलेज मतलब बोन सेल होती है, वहां पर ये पाया जा रहा है। तो भाई साहब आपका जो है वो सेल, जो आपका बोन पाई जा रही है, वो बोन डिफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना, वो बोन डिफेक्टिव हो जाएगी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोनिक हैजहॉग आपसे पूछा जा चुका है, सोनिक हैजहॉग आपसे पूछा जा चुका है। सोनिक हैजहॉग हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री वर्टिब्रेट होमोलोगस, यानी कि जितने भी आपके तीन होमोलोगस जीन पाए जा रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा काम किसके रहेंगे, सोनिक हैजहॉग के ही होने वाले हैं। इसका मेन काम क्या होता है कि आई फील्ड स्पेसिफिकेशन, जो आपकी आई बनती है ना, आई में क्या कौन सा आपका बाहर की तरफ कौन सा वाला पार्ट जाना है, अंदर की तरफ कौन सा वाला पार्ट जाना है, तो आई के स्पेसिफिकेशन में सोनिक हैजहॉग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड लिम्ब के एंटीरियर एंड पोस्टेरियर फॉर्मेशन में, यानी कि आपकी ये हथेली है, इसको आप बोल सकते हो एंटीरियर, एंड जो ये आपका पोस्टेरियर वाला पार्ट है, जो आपका ये कंधा है, इसको बोल सकते हो पोस्टेरियर पार्ट, तो इसके आपके जो है डिटर्मिनेशन में, इसके फॉर्मेशन में सोनिक हैजहॉग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड ये स्टेटमेंट गाइज आपसे पूछे जा चुके हैं, तो याद रख लेना हैजहॉग के जैसे ही आपके तीन जीन पाए जाते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं आपकी हैजहॉग सिग्नलिंग की, कि किस प्रकार से आपकी हैजहॉग सिग्नलिंग होती है एंड किस प्रकार से ये आपके शरीर में काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि जो आपका लिगेंड होगा, यानी कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल होगा, उसको हम बोलते हैं हैजहॉग, उसको क्या बोलेंगे, हैजहॉग बोलेंगे एडिशनल टू कोलेस्ट्रॉल एंड पाल्मिटिक एसिड टू द हैजहॉग प्रोटीन। इसका मतलब क्या होता है, वो चीज देखने की
कोशिश करो। मान लो ये आपका स्टार्टिंग में कोई एक लिगेंड है, लिगेंड है इसका नेचर कैसा है, प्रोटीन के जैसा है। प्रोटीन के जैसा मतलब कि अमाइनो एसिड पाया जा रहा है, अमाइनो एसिड पाया जा रहा है मतलब कि यहाँ पर एक एन टर्मिनल होगा, एक इसका सी टर्मिनल होगा, ठीक है ना, एक एन टर्मिनल एक इसका सी टर्मिनल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं ऑटो प्रोटियोलाइटिक प्रॉपर्टी, ऑटो प्रोटियोलाइटिक प्रॉपर्टी, ऑटो प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक का मतलब होता है प्रोटीन का टूटना, एंड ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो आपका हैजहॉग जीन है इसके पास खुद की प्रॉपर्टी रहती है कि जो इसका सी टर्मिनल वाला पार्ट है, ये वाला ग्रीन वाला जो पार्ट है, इसको ये कट कर देगा, इसको ये कट कर देगा। कट करने के बाद एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करता है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी इसने कट कर दिया, ये कट करेगा आपके सिस्टीन वाले पार्ट से, ठीक है ना, सिस्टीन वाले पार्ट से ये कट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लोकेशन देखो कि जो आपका अगर अगर आपका एन टर्मिनल है तो एन टर्मिनल में आपकी ग्लाइसिन 257 कंडीशन जा रही है, जबकि अगर आपका सिस्टीन है तो वहां पर आपकी 258 जा रही है। और यहाँ पर स्पेसिफिक वाली बात क्या होता है कि ये जो आपका सी टर्मिनल कट हुआ है, ये जो सी टर्मिनल कट हुआ है एक्चुअल में इसका कोई काम नहीं होता, ये बाद में जाकर के डिग्रेड हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ग्लाइसिन 257 पे कट करेगा जो कि आपका एन साइड में रह जाएगा, जो कि आपका एन साइड में रह जाएगा, ये आपका एन साइड है। जैसे यहाँ पर आपका कट लगा तो सबसे पहले थायोएस्टर बॉन्ड से यहाँ पर आपका कौन जुड़ेगा, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल जुड़ने वाला है। यहाँ पर जैसे ही कट लगा, कट लगने के बाद तुरंत इसकी जो ये सी साइड अब बनी है, याद रख लेना, कोलेस्ट्रॉल ग्लाइसिन से जुड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल आपका ग्लाइसिन से जुड़ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आपसे पूछा जा चुका है कि कोलेस्ट्रॉल बताइए सिस्टीन से जुड़ेगा या फिर ग्लाइसिन से जुड़ेगा, तो कोलेस्ट्रॉल आपका ग्लाइसिन से जुड़ता है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये जुड़ा तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे आपका एक फैटी एसिड आएगा जो कि होता है पाल्मिटोइल एसिड, ठीक है ना, ये पाल्मिटोइल आपके एन टर्मिनल से जुड़ जाएगा। देखो इसको और अच्छे से समझने की यहाँ पर कोशिश करो कि क्या हो रहा था, किस प्रकार से हो रहा था, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट होती है एंड ये चीज आपसे पूछी जाती है। देखो यहाँ पर एक हैजहॉग जीन है इस प्रकार से, हैजहॉग जीन है इस प्रकार से, एक इसका एन टर्मिनल है, एक इसका सी टर्मिनल है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस हैजहॉग प्रोटीन के अंदर ही ऑटो प्रोटियोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है, ऑटो प्रोटियोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है, ऑटो मतलब सेल, प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो आपका सिस्टिक वाला पार्ट है, सिस्टिक वाला पार्ट, ये सॉरी सिस्टिन वाला पार्ट आपका कट जाएगा, ग्लाइसिन वाला पार्ट जो है वो आपका जो है एन टर्मिनल में ही रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपका एन टर्मिनल में रहता है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल आकर के थायोएस्टर बॉन्ड से, कोलेस्ट्रॉल आकर के थायोएस्टर बॉन्ड से इस एन टर्मिनल, इस एन टर्मिनल के जो ग्लाइसिन वाला पार्ट है, कटा हुआ बीच का पार्ट है, वहां पर आकर के जुड़ जाएगा, वहां पर आकर के आपका जुड़ जाएगा। प्रोटीन सेल्फ क्लीवेज एंड कोलेस्ट्रॉल एडिशन, प्रोटीन का सेल्फ क्लीवेज हो रहा है प्रोटियोलाइटिक वे में हो रहा है, एंड यहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल की एडिशन हो रही है सबसे पहले ग्लाइसिन पे। इसके बाद क्या होगा कि भाई साहब, इसके बाद अब आपका एल्काइल ट्रांसफरेज होगा। एल्काइल ट्रांसफरेज का मतलब होता है कि किसी भी फैटी एसिड को यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया जाता है, एक्चुअल में किसी भी फैटी एसिड को नहीं करा जाता, यहाँ पर पाल्मिटोइल को करा जाता है। यहाँ पर किसको करा जाता है, पाल्मिटिक एसिड को करा जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज पूछी जाती है कि आपका हैजहॉग का किस प्रकार से, याद रख लेना, हैजहॉग का किस प्रकार से मॉडिफिकेशन किया जाता है, आपका प्रोसेसिंग किया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपकी ये बात होती है। और याद रख लेना, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग, ये जितनी भी प्रोसेसिंग आपको देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी कहां पर होती है, ईआर के अंदर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर हो रही है ये आपकी, ईआर के अंदर हो रही है। इनकी लोकेशन भी आपसे पूछी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारा पूरा बन करके हमारा एक लिगेंड तैयार है, जिसके ऊपर क्या है कि जिसके ऊपर पाल्मिटेलिक है एंड जिसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल भी आपका लगा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल है, पाल्मिटेलिक है जो होगा, तो अब ये अपने जो है एज ए लिगेंड की तरह काम कर सकता है, एज ए लिगेंड की तरह काम कर सकता है। अब अगर ये लिगेंड है तो इसके लिए कोई ना कोई रिसेप्टर होना जरूरी है, ठीक है ना, कोई रिसेप्टर
कंडक्टर होना जरूरी है। तो भाई साहब यहाँ पर किसी भी सेल के मेम्ब्रेन पर, यानी कि देखो ये हेजहॉग सिग्नलिंग किस प्रकार की होती है, ये भी पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि दो पास पास की सेल आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है बाय द हेल्प ऑफ हेजहॉग सिग्नलिंग। यानी कि अगर इस सेल से आपका हेजहॉग निकल रहा है, लिगेंड निकल रहा है, तो इस सेल पर रिसेप्टर होगा। एंड गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर का नाम होता है पैच रिसेप्टर। उस रिसेप्टर का नाम क्या होता है? पैच रिसेप्टर। एंड ये पैच रिसेप्टर आपका 12 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना हुआ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है आपसे ये चीज भी कि आपका जो पैच होता है उस वो कितने ट्रांस मेम्ब्रेन पास होता है। तो आपको याद रखना कितने 12 पास होता है, इस बात को याद रख लेना। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ये हमने कर लिया पूरा 12। इस प्रकार से 12 मेम्ब्रेन पास होता है ये, ठीक है ना, इस प्रकार से 12 मेम्ब्रेन पास होता है। अब इसके बाद आपके को रिसेप्टर भी होते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने, इसके को रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। एक होता है आपका आई होग, एक होता है बोई। यानी कि इस प्रकार से आपका आई होग लगा रहता है एंड इस प्रकार से आपका बोई लगा हुआ होता है। ये आपके दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये आपके को रिसेप्टर होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद को टारगेट रिसेप्टर होते हैं। अब ये को टारगेट रिसेप्टर क्या होता है, यानी कि ये रिसेप्टर एक दूसरे रिसेप्टर को टारगेट करके रखता है, ठीक है ना, दूसरे रिसेप्टर को टारगेट करके रखता है, जिसको बोलते हैं स्मूदन, जिसको क्या बोलेंगे, स्मूदन बोलते हैं। एंड ये स्मूदन जो होता है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ये भी आपका 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। लेकिन ये कहां पर पाया जाता है? सेल के अंदर ही आपका वेसाइकल पाया जाता है, उस वेसाइकल के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। अभी हम आगे बात करेंगे कि आपका किस प्रकार से ये, यानी कि कौन सी एक्टिविटी किस प्रकार से आपका पाथवे चलता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, जिसको बोलते हैं क्यूबिटस इंटरप्टस, या फिर आपका इसको CI के नाम से जाना जाता है। यहीं से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस चीज को याद रख लेना। अगर इतनी बात याद रख ली, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आइए अब इसके सीधे डायरेक्ट पाथवे के ऊपर चलते हैं। ये बाद ये क्या लिखा हुआ है, इन सब चीज को हम बाद में देखने वाले हैं। तो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं उस चीज को आपको समझना है सबसे पहले, ठीक है ना। देखो भाई साहब यहाँ पर क्या होता है कि ये मान लो कोई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या है, एक आपका रिसेप्टर पाया जा रहा है। रिसेप्टर का नाम क्या है? पैच रिसेप्टर होता है, जो कि आपके 12 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एक आधा ज्यादा जो है ट्रांस कर दूं, इसको ट्रांस मेम्ब्रेन बना दूं, तो जल्द मतलब इतनी ज्यादा सोचना मत, फिर भी इसको गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपका 12 बन चुका है, ठीक है ना, 12 बन चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, रिसेप्टर है, जिसका नाम है पैच रिसेप्टर, PATCH, पैच रिसेप्टर, इसको बोलते हैं पैच रिसेप्टर। अब इसके पास ही आपके को रिसेप्टर और पाए जाते हैं, जो कि इसके पास में लगे हुए होते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से। एक का नाम होता है आई होग, एक का नाम क्या होता है, आई होग, एंड दूसरे का नाम होता है बोई, ठीक है ना। आई होग एंड बोई नाम के रिसेप्टर होते हैं। तो देखो चलिए आइए अब कंडीशन को रख के देखते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब आपका एच यानी कि जो हेजहॉग सिग्नलिंग है वो प्रेजेंट नहीं है, तो तब यहाँ पर क्या होगा कि जो इसका, देखो वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका लिगेंड आता है, लिगेंड आने के बाद रिसेप्टर पे आकर के जुड़ता है, तब रिसेप्टर काम करता है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, अलग ही कहानी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है गाइस, जब तक आपका हेजहॉग नहीं आया तब तक ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक काम करके रख रहा है। जो पैच है ये क्या काम करके रख रहा है कि आपका ये जो है एक दूसरे रिसेप्टर को क्या करके रख रखा है, इसने रोक करके रख रखा है। उस रिसेप्टर का नाम क्या है, उस रिसेप्टर का नाम है आपका या तो इसको स्मू कह दो या फिर इसको स्मूदन कह दो, ठीक है ना, या तो इसको स्मू कह दो या फिर इसको स्मूदन कह दो। ये भी आपका 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, इसका नाम क्या है, स्मूदन, शॉर्ट फॉर्म
में इसको लिखते हैं स्मो, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जैसे देखो इसने इसने जो है ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है, ठीक है ना, ये आपका कहाँ पर है, साइटोप्लाज्मिक वाला पार्ट है एंड ये आपका आउटर वाला पार्ट है, इतनी बात भी समझ लेना। यहाँ पर क्या है कि इसने वेसाइकल की फॉर्म में इसको जो है रोक करके रख रखा है। अब यहाँ पर जैसे ही आपका रुक रहा है तो स्पेसिफिकली आपकी दूसरी साइड क्या हो रहा है वो चीज देखने की कोशिश करो। एक प्रोटीन है जिसका नाम है क्यूबिटस इंटरप्टस, इसको मैं सी आई लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं सी आई लिख रहा हूं। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपके सी आई क्यूबिटस इंटरप्टस को किसी ने रोक के रख रखा है, डिग्रेडेशन फैक्टर ने यहां पर इसको रोक के रख रखा है। डिग्रेडेशन फैक्टर कौन से होते हैं गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर देखने की कोशिश करो। एक होता है आपका कोस्टल टू, जिसको हम कोस टू भी लिख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है कोस्टल टू या फिर कोस टू, या फिर इसी को बोला जाता है आपका KIF7, इसी को हम KIF7 बोलते हैं, या तो कोस्टल टू बोल लो या फिर KIF7 बोल लो। एक प्रोटीन होती है स्पेसिफिकली ये वाली, दूसरी प्रोटीन होती है यहाँ पर आपकी फ्यूज प्रोटीन, ठीक है ना, दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है, फ्यूज प्रोटीन होती है। एंड तीसरा यहाँ पर एक और प्रोटीन आती है जिसको बोलते हैं सूमो, जिसको क्या बोलेंगे सूमो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूमो नाम की प्रोटीन। ये तीनों की तीनों प्रोटीन यहाँ पर आकर के इसके पास लगी रहती है एंड इनका मेन काम क्या होता है कि यहाँ पर इस सी आई के पास कुछ काइनेज को ये एक्टिवेट कर देती है, कुछ काइनेज को एक्टिवेट करती है। कौन कौन से काइनेज को एक्टिवेट करती है, तो सबसे पहला होता है आपका PK1 यानी कि प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है ना, सॉरी PKA प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा काइनेज होता है आपका CK यानी कि केसिन काइनेज फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा काइनेज कौन सा होता है, GSK3, तीसरा होता है आपका GSK3। ये तीनों के तीनों क्या काम करते हैं कि भाई साहब इस CIP आपके फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं तीनों के तीनों। जैसे ही आपका फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से क्या होता है कि भाई साहब अब यहाँ पर ये यूबी क्वाइटिनेशन को लाएंगे एंड यूबी क्वाइटिनेशन करवाएंगे, ठीक है ना। यूबी क्वाइटिनेशन आपको पता है यानी कि यहाँ पर आपका यूबी क्वाइनोन आकर के जुड़ जाएगा, इस प्रकार से ये आपका यूबी क्वाइनोन है। अब इसको क्या काम करेगा, इसको एक आपके अंदर एक सेल के अंदर ऑर्गेनल होता है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, जिसका नाम होता है प्रोटियोसोम्स, वो आएगा एंड आने के बाद ये जो सीआई है इस सीआई को जो है अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, अब ये देखो जो आपका क्यूबिटस इंटरप्टस होता है, ये क्यूबिटस इंटरप्टस जो होता है ये आपके तीन पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला होता है जैसे कि मान लो ये आपकी एन साइड है एंड ये आपकी सी साइड है। यहाँ पर क्या होता है, पहला होता है आपका DBD यानी कि आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन। दूसरा होता है आपका ओलिगोमेरिक डोमेन, जिसको हम ओडी के नाम से जानते हैं, ओलिगोमेरिक डोमेन। तीसरा होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, याद रख लेना, ट्रांसक्रिप्शन डोमेन या फिर TAD बोला जाता है इसको, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन। यहां पर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका प्रोटियोलाइसिस होता है मेनली स्पेसिफिक रीजन, यहां से इसको कट करवाता है। अब कट करवाने के बाद यहां पर दो चीज मिलती है, एक तो ये TAD वाला पार्ट अलग मिलेगा एंड आपको DVD एंड आपको OD ये वाला पार्ट अलग मिलेगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका DVD एंड आपका OD वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्यूबिटस इंटरप्टस 75, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या काम करता है, अब देखो आगे चलने की कोशिश करो जहां पर आपको छोड़ा था, ठीक है ना, इस वाले डायग्राम पे। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, देखो जैसे कि यहाँ पर आपको पता है प्रोटियोसोम्स के अंदर ये चला गया, यहाँ पर जाने के बाद दो डोमेन बाहर निकलेंगे, एक आएगा CI 75 एंड दूसरा आएगा आपका TAD आपका आने वाला ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन। यहाँ पर क्या होगा कि भाई साहब ऐसा है, TAD अगर अकेला है तो अकेला किसी काम का नहीं, क्योंकि ये DNA से जाकर के बाइंड ही नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होगा, मान लो ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डीएनए पाया जाता है आपका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये मैंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया। अब यहां पर क्या होगा, इस डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सीआरबी, ठीक है ना, सीआरबी आपका पाया जाता है। अब इस सीआरबी पे आपका CI-75 आकर के जुड़ जाएगा। यहां पर क्या आकर के जुड़ेगा, CI-75 आकर के जुड़ेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहां पर CI-75 आकर के जुड़ रहा है, तो एक तो आपका जो है सिग्नल पाथवे पहले से ही बंद था, एक तो आपका सिग्नल आकर पाथवे पहले से ही बंद था, लेकिन अगर ये आपका 75 आकर के जुड़ रहा है, तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर ये इसको जो आपका जो डीएनए के आगे ट्रांसफर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, इसको इनहिबिट कर देगा। यानी कि CI-75 यहां पर रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, डीएनए रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, यहां पर आपका रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। आई इतनी बात समझ में, ये तब की कंडीशन थी जब आपका जो है हैजहॉग नहीं है, जब आपका हैजहॉग नहीं है, जिसकी वजह से क्या काम क्या हो रहा है कि पैच क्या काम कर रहा है, एक स्मूदन नाम के जो आपका ट्रैप का रिसेप्टर है उसको जो है इनहिबिट करने का काम कर रहा है। अगर ये इनहिबिट कर रहा है, तब आपका क्या हो रहा है, जो क्यूबिटस इंटरप्टस है उससे आपकी डिग्रेडेशन प्रोटीन आकर के जुड़ रही है। जुड़ने के बाद उसको प्रोटीसोम में भेजेंगे, प्रोटीसोम में आपका CI-75 बनने वाला है। एंड ये CI-75 क्या किस प्रकार का काम कर रहा है, रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, यानी कि यहां पर आपकी कोई भी प्रोटीन नहीं बनने वाली। अब दूसरी कंडीशन यहीं पर देखने की कोशिश करो, ठीक है ना, दूसरी कंडीशन देखने की कोशिश करो। मान लो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मैं बना देता हूं अब आपका एक पैच रिसेप्टर। ये बना दिया मैंने आपका पैच रिसेप्टर, इसके जो है ट्रांस मेम्ब्रेन गिन लेना, पूरे भी हो सकते नहीं भी हो सकते, टोटल मिलाकर के 12 होने चाहिए, दैट्स ऑल। यहां पर अब क्या होता है कि आपका जो है इधर की साइड में बना देता हूं मैं आई होग, एंड इधर की साइड में ये बना दिया मैंने बोई, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका बोई है, इसको बोलते हैं बोई, इसको बोलते हैं आई होग। ये दोनों आपके को रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, जो मेन रिसेप्टर है उसका नाम है PATCH, पैच रिसेप्टर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि आपका मान लो हैज होग आया, यहां पर आपका हैज होग आएगा, जैसे ही हैज होग आएगा, तो जो पहले ये आपका रिसेप्टर, जो पहले रिसेप्टर आपका जो है स्टॉप करके रख रहा था वेसाइकल के अंदर, जो प्रेजेंट था आपका स्मूथन रिसेप्टर, ठीक है ना, स्मूथन रिसेप्टर था, उसको अब ये जो है स्टॉप नहीं कर सकता, ये स्टॉपिंग हट जाएगी। जैसे ही हटेगी, ये वेसाइकल आपका जो है फ्यूज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये आपका जो है फ्यूज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर के चिपक जाएगा, लग जाएगा इस प्रकार से। ये आपको पता होगा 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जैसा है, यानी कि तब एक्टिविटी करेगा, जीपीसीआर जैसी ये एक्टिविटी करेगा। एंड जब ये एक्टिविटी करेगा, तो सीआई याद रख लेना, सीआई क्यूबिटस इंटरप्टस को जितने भी डिग्रेडेशन प्रोटीन घेरे हुए थी, जितनी भी डिग्रेडेशन प्रोटीन घेरे हुए थी, उन सबको जो है बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। किस प्रकार से करेगा, वो चीज देखने की कोशिश करो। जैसे ही ये आपका मेम्ब्रेन पे जाकर के लगा, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे काइनेज, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे काइनेज। तब काइनेज क्या करेंगे, इसकी तरफ यानी कि सीआई से हट करके आपका जो है सुमो के पास जाना स्टार्ट कर देंगे। किस प्रकार से जाएंगे, सबसे पहले केसिन काइनेज आकर के लगेगा, सबसे पहले केसिन काइनेज आकर के लगेगा। इस केसिन काइनेज के बाद यहां पर आपका पीकेए आकर के लगेगा, ठीक है ना, PKA आकर के लग जाएगा आपका। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद याद रख लेना गाइज, यहाँ पर आपका जो है GSK3, यहाँ पर GSK3 आकर के लग जाएगा, GSK3 लग जाएगा। एंड ये तीनों क्या काम करेंगे, इसको फास्फोराइलेटेड करवा देंगे, यानी कि जो आपका सुमो था इसको फास्फोराइलेटेड करेंगे। अब इसको जब फास्फोराइलेटेड करेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो यहाँ पर जो भी आपके जितने भी काइनेज थे, वे सारे के सारे काइनेज हट गए। और जैसे ही अब यहाँ से हटेंगे, तो जो भी डिग्रेडेबल आपके जितने भी यहाँ पर और बाकी की प्रोटीन बची हैं, वे सब भी आपकी दूर दूर हट जाएंगी इस सीआई से, चाहे वो आपकी सुमो हो, याद रख लेना, चाहे वो आपकी सुमो हो, चाहे वो आपकी फ्यूज्ड हो, ठीक है ना, चाहे आपकी वो फ्यूज हो या फिर आपकी कोस्टल टू हो, ये सब आपकी दूर हट जाएंगे। यानी कि जो आपका सीआई है वो फ्री हो जाएगा। जैसे ही ये आपका फ्री होगा,
ये डायरेक्ट क्या काम करेगा, अब ये डायरेक्ट जाएगा आपका न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है आपका डीएनए, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है डीएनए, डीएनए पर जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो होती है आपकी सीआरबी, वो क्या है सीआरबी प्रोटीन होती है, क्रेव रिकॉग्नाइजेशन बाइंडिंग, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट आपका जो है अब यहाँ पर सी आई आके जो है इस सी आर बी से लगने वाला है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी आई आकर के लग जाएगा, जैसे ही सी आई लगेगा सी आई यहाँ पर वर्क करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह, जैसे ही आकर के लगा तुरंत इसके बाद क्या होगी आपकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, अल्टीमेटिवली प्रोटीन बनेगी आपकी, एंड जो प्रोटीन बनेगी अब ये प्रोटीन हेल्प करेगी सेल के डिवीजन में, ठीक है ना, ये प्रोटीन किस में हेल्प करेगी सेल के डिवीजन में हेल्प करने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल के डिवीजन में हेल्प करने वाली है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो। अब यहाँ पर देखो और बहुत सारी चीज देखने की कोशिश करो, इसका एक रेगुलेशन होता है, इसका क्या होता है एक रेगुलेशन होता है, उसको भी देखने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको जो है अगले पेज पर लेकर के चलता हूँ, वो चीज मतलब वो चीज याद रखने की कोशिश कर लेना, जैसे यहाँ पर आपका हैजहॉग सिग्नल आया, हैजहॉग सिग्नल आया तो जो आपका पैच था पैच जो है आपका इनएक्टिवेट स्टेट में गया, यानी कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चला जाता है। यहाँ पर एक और चीज होती है, वो चीज याद रखने की कोशिश करना कि भाई साहब जैसे ही यहाँ पर आपका ये एचएच आया ना तो इस पैच रिसेप्टर का एंडोसाइटोसिस हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पैच रिसेप्टर को एंडोसाइटोसिस कर लिया जाता है, यानी कि जो है सेल के अंदर ग्रहण इसको कर लिया जाता है, अब ये पैच इस एंडोसाइटोसिस में आकर के घिर जाता है एंड अल्टीमेटिवली ये समाप्त हो जाता है, ये यहाँ से खत्म कर दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सरफेस पे केवल और केवल आपका स्मोदन ही बचता है। अब यहाँ पर क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, रेगुलेशन क्या हुआ कि जब आपका एच एच यानी कि हैजहॉग ज्यादा मात्रा में था तो जो आपका पैच था पैच ने जो है आपका जो है पैच जो है इनएक्टिव हुआ, इनएक्टिव होकर के अंदर चला गया, अंदर होने के बाद क्या हुआ कि जो सूमो था जो आपका सूमो था सूमो जो है एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट हुआ तो जितने भी डिग्रेडेबल प्रोटीन थे जो है जो कि आपका सी आई को डिग्रेड कर रहे थे उन सबको उसने इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट करा, ये सी आई जो है न्यूक्लियस के अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका सी आर बी पे जाकर के चिपकेगा, यानी कि ज्वाइंट हो जाएगा एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करेगा एंड यहां से अब आपकी प्रोटीन बनेगी, यहां से आपकी प्रोटीन बनेगी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो प्रोटीन बनेगी ये प्रोटीन आपकी हैजहॉग भी हो सकती है, हैजहॉग भी हो सकती है, जैसे ही आपकी प्रोटीन बनी है हैजहॉग अब इनका जो है ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन कहां पर होगा याद रखना ई आर के अंदर इनका जो है ट्रांसलेशन होता है, जैसे ही इनका ट्रांसलेशन हुआ ई आर के अंदर तो भाई साहब ये जाकर के प्रेजेंट हो जाएगी दोबारा से आपके कहां पर, दोबारा से प्रेजेंट हो जाएगी आपके सरफेस पर, एंड जैसे ये दोबारा से जाकर के प्रेजेंट होगी एंड ये क्या काम करेगी ये दोबारा से आपका स्टॉप कर देगी स्मूदन को, ये दोबारा से स्टॉप कर देगी स्मूदन को, यानी कि जो पहले एंडोसाइटोसिस और था तो ये एंडोसाइटोसिस वाला तो यहाँ पर आकर के एंडोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस हो जाता है लेकिन जो नई प्रोटीन बची है जिसको जो कि आपकी फर्दर एक और रिसेप्टर बना रही है जिसको बोल रहे हैं हम दोबारा से पैच्ड, ठीक है ना, जिसको बोलना है पैच्ड एंड ये पैच्ड ही आपका स्मोदन रिसेप्टर जो काम कर रहा है उसको डीएक्टिवेट कर देगा, उसको डीएक्टिवेट कर देगा, तो इस प्रकार से इस पूरे के पूरे सेल सिग्नलिंग की हम रेगुलेशन कर सकते हैं, इस सेल की रेगुलेशन कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखो और भी बहुत सारे आपके जो है फंक्शन आते हैं, जैसे कि मान लो अब यहाँ पर कुछ म्यूटेशन केस समझो जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, अब अगर आपको दे दिया गया कि भाई साहब स्मूदन है, स्मूदन में अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया, स्मूदन में अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया यानी कि गेन ऑफ फंक्शन हो गया यानी कि गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो ये हमेशा आपके डिग्रेडेबल एंजाइम्स को रोक करके रखेगा, स्टॉप करके रखेगा, उन्हें म्यूटेट करके रखेगा, यहाँ पर फिर सी आई इस कंडीशन में
हमेशा के लिए आपका एक्टिव रहेगा, हमेशा के लिए एक्टिव रहेगा तो आपको कैंसर, याद रख लेना, कैंसर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा के लिए एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि सेल हमेशा के लिए डिवाइड करती रहेंगी। तो एक तो हो गया इसका ये वाला, ठीक है ना, एक हो गया ये वाला। दूसरा पूछा जाता है अगर सी आई ने लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया, सी आई ने अगर लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया, अगर सी आई का लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो वो कभी भी आपका जाकर के सी आर बी, यानी कि जो सी आर बी है, सी आर बी से जाकर के नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसने अपना लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया, जो इसका मेन फंक्शन था वो फंक्शन इसने खो दिया। सेल जो है ग्रो ही नहीं कर पाएगी, सेल ग्रो नहीं कर पाएगी तो भाई साहब आपकी जो है कमी होने वाली है, जहां पर फिर आपका कोई अगर किसी पार्ट का, यानी कि बॉडी का कोई पार्ट बनने वाला था, वो पार्ट अब आपका नहीं बन पाएगा, वो पार्ट नहीं बन पाएगा, अल्टीमेटिवली उसे भी हम कैंसर की कंडीशन में ही रखते हैं, यानी कि आपको दोनों बात यहां पर ये याद रखनी है। तो चलिए इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, ये आज का आपका लास्ट लेक्चर था। यहां पर देखो अभी आपका लिखा हुआ है कि इन द अब्सेंस ऑफ हैज हो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना, जो चीज मैंने आपको समझाया वो ही है, इन द प्रेजेंस ऑफ हैज हो क्या हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आप पढ़ लेना। एंड यहां पर जो मेन बात है वो चीज देखने की कोशिश करो, हमने पढ़ा है इनवर्टिब्रेट में, जो पढ़ा हमने इनवर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट में हमने सी आई पढ़ा, इसके जैसा ही वर्टिब्रेट में क्या होता है, गिलाई वाला पार्ट होता है। तीन प्रकार के गिलाई होते हैं, गिलाई फर्स्ट, गिलाई टू, गिलाई थ्री, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह आपके काम करते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन रिप्लेसर, यानी कि यहां पर पढ़ा हमने CI75, यहां पर पढ़ा था CI75, यहां पर हम पढ़ते हैं क्लीवेज GI, यानी कि GI भी जो रहेगा वो आपका कटेगा, एंड जो आपका आधा पार्ट रहेगा जीआई का वो भी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर की तरह काम करेगा। इसके बाद जो कोर रिप्रेसर होते हैं, यहाँ पर आपने जो ड्रोसोफिला है यहाँ पर पढ़ा आई होग एंड बोई को, बोग नहीं यहाँ पर बोई है, एंड यहाँ पर देखो जो CDO होता है ये आपके आई होग जैसा काम करता है, आई होग जैसा काम करता है, जबकि बोग एंड गैस टू ये आपका बोई जैसा काम करते हैं, ये आपका जो है बोई के जैसे सिमिलर होते हैं। इसके बाद सिग्नलिंग में क्या है कि यहाँ पर देखा कि हैज होग था, पैच्स आपका रिसेप्टर था, आई होग एंड बोई ये आपके कोर रिसेप्टर थे जो कि स्मूथन पे काम कर रहे थे। फिर यहाँ से किस प्रकार से डिग्रेडेशन को कोस टू, इसको हम कोस्टल टू एंड KIF7, या तो KIF7 कह लें या फिर कोस टू कह लें, एंड सुफू, सुफू नाम की जो प्रोटीन है, PKA है, स्लिम है, फ्यूज है, CI प्रोटीन है, ये सारे के सारे यहाँ पर काम कर रही है, एंड इन ये सारे के सारे प्रोटीन यहाँ वर्टिब्रेट में भी सेम रहती है, यानी कि बदलाव केवल किस में आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन में आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन रिप्लेसर में आ रहा है, एंड को रिसेप्टर में यहाँ पर जो है आपको नेम चेंज मिल रहा है, बाकी सबका सब सिमिलर होता है, सेम होता है। आई बात समझ में, तो भाई साहब खुश हो जाओ क्योंकि आपका जो है सारी के सारी सेल सिग्नलिंग खत्म हो चुकी है। ये एक डायग्राम, इसको देखना चाहोगे तो देख लेना प्लेलिस्ट से, मतलब कि आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो चलिए आइए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी यूनिट के लिए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।